वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आप सीखेंगे यूज ऑफ एज, डैश 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 एज एंड द शो डैश 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 एज। जी हाँ, इसमें मैंने दोनों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी होती है, बस कंफ्यूज आते हैं कि कहाँ पे एज डैश 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 एज का यूज करें और कहाँ शो डैश 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 एज का यूज करें। सो मैं आपको बताऊँ, बहुत सिंपल यूज है। एज डैश 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 एज का प्रयोग हमें यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं और वहाँ पे कंपेरिजन में सिमिलैरिटी आए या लाइकनेस आए, एक जैसी चीजें हो तो वहां पे हम एज डैश 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 एज का यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखेंगे, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर के जैसा जितना इंटेलिजेंट है। तो ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, मतलब वो अपनी, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों को कि वो बंदा जो है वो अपनी सिस्टर जितना ही इंटेलिजेंट है। तो वो इसमें क्या है, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। या फिर जैसे दूसरा सेंटेंस ले लें, दिस शर्ट इज एज गुड एज माइन, दिस शर्ट इज एज गुड एज माइन, ये शर्ट उतनी है जैसे वो मेरी शर्ट जितनी अच्छी थी ना, उतनी अच्छी ये शर्ट है। तो इसमें लाइकनेस सिमिलैरिटी आ रहा है, तो आपने किसका यूज किया, एज डैश डैश एज का। अब देखते हैं शो डैश डैश एज का यूज। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपका एज डैश डैश एज में आपका सिमिलैरिटी लाइकनेस के लिए कर रहे थे, तो शो डैश डैश एज में आपका अनलाइकनेस या डिससिमिलैरिटी के लिए करते हैं, मतलब जो अलग अलग हो, उसके जैसा नहीं। जैसे हम कहते हैं नहीं, आप जैसा कह रहे हैं ना वैसा नहीं है, उसके जैसा नहीं है, दूसरे जैसा है। तो जहां पे नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, समझ में आया आपको, जहां पे नेगेटिव चीज है वहां पे आपको यूज करना है शो डैश डैश एज का। तो जैसे हम इसमें सेंटेंस ले लेते हैं, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, वो उसकी सिस्टर के जितना इंटेलिजेंट नहीं है। He is not so intelligent. So देखिए, so आ रहा है, He is not so intelligent as his sister. आगे सब जैसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं, This shirt is not so good as mine. ये शर्ट मेरे शर्ट जितनी अच्छी नहीं है, ये शर्ट जो है मेरे शर्ट की जितनी अच्छी शर्ट नहीं है। तो this shirt is not as good. So this shirt is not so good as mine. This shirt is not so good as mine. मतलब ये शर्ट मेरी शर्ट के जितना अच्छी नहीं है। तो इसमें आपने क्या बताया, dissimilarity, unlikeness आ रहा है, negative sentence. तो आपको समझ में, होप यू गाइस आपको एस डैश डैश एस और शो डैश डैश एस के डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा और साथ में इनका यूजेस भी। सो प्लीज कमेंट करें और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।